जमशेदपुर शहर में अन्य महानगरों की तर्ज पर डबल हेलमेट को अनिवार्य कर दिया गया। ऐसे में आनन फानन में जिला प्रशासन के 1,000 रुपये के फाइन से बचने के लिए लोगों ने फुटपाथ पर बिकने वाले 200 से 250 की दरों में हल्के हेलमेट को अपना लिया और इस 200 से 250 के खर्च के साथ वो 1,000 रुपये के लगने वाले फाइन से तो बच गए, लेकिन क्या जिन सुरक्षा मानकों का ख्याल रखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा डबल हेलमेट को अनिवार्य किया गया वो सभी मानक सुरक्षा मानकों का पालन डबल हेलमेट की अनिवार्यता के साथ पूरा हुआ, ये अब भी इस सवालों के घेरे में है। ऐसे हम बातचीत करेंगे उन फुटपाथ या दुकानदारों से जो कि फुटपाथ पर हेलमेट की दुकान लगाते हैं, और हम बातचीत करेंगे उनसे और जानेंगे कि किस हिसाब से डबल हेलमेट की अनिवार्यता के साथ ही हेलमेट की बिक्री में तेज़ी आई और लोग किस तरह का हेलमेट खरीदना पसंद करने लगे। तो देखिए जमशेदपुर से मेरी एक खास रिपोर्ट। हेलमेट का प्रावधान शहर में आया, तब से हेलमेट की बिक्री किस हिसाब से बढ़ी है? अभी तो कम हो गया है, पहले जब था तब बढ़ा। हाँ, तब लग ठीक था। तो लोग कौन सा हेलमेट खरीदना पसंद करते अभी? हाँ, हाफ हेलमेट पसंद करते हैं। हाफ हेलमेट, हल्का वाला जो होता है। हाफ हेलमेट बेसिकली पीछे बैठने वाले लोग, लेडीज लोग के लिए। लेडीज लोगों के लिए कितना पड़ता है उसका दाम? वही 450 तक में आता है। और ये सारे जो हल्का हल्का हेलमेट दिख रहा है, ये सारा कितना का? ये भी काफी, ये सब 250-300 का है। थोड़ा सभी खरीदते हैं लोग? खरीदते हैं, कोई सेफ्टी होते हैं तो नहीं खरीदते हैं, न तो वो बड़ा वाला खरीदते हैं। बड़ा वाला जी। और तो ये सारा में ISI मार्क मिलता है? हाँ हाँ, ISI मार्क में। ये सारा हल्का वाला? ये हल्का वाला में ISI मार्क नहीं है। कितने तक में ISI मार्क वाला है? वही 400-500 तक में आ जाता है। थोड़ा सा ऊपर कॉस्ट चला जाता है तो वो सारा का बिक्री ज्यादा होती है कि ये सारा? वो वाला भी ISI वाला बिक्री होता है, बिक्री ज्यादा होता है। लेकिन पीछे बैठने वाले राइडर्स भी हल्का हेलमेट खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं? नहीं, राइडर में वो हाफ वाला पसंद करते हैं, ISI वाला। हाफ वाला ज्यादा पसंद करते हैं जी। तो अभी ISI मार्क वाला हेलमेट अभी बेचना अनिवार्य हो गया? ये सारा जो हल्का हेलमेट है तो भी आने वाले वो बंद हो जाएगा? पूरा तरह से बंद हो जाएगा। तो अभी जो खरीदते हैं हेलमेट हल्का वाला, ये 200 रुपये वाला, हम बताते हैं कि वैसे सुरक्षक नहीं, ISI मार्क ले जाइए। हाँ। तो किसी का पैसा नहीं रहता, उसकी वजह से देना पड़ता है, मजबूरी में आपको। हाँ। तो ये जब से डबल हेलमेट का प्रावधान निकला है तब से ये सारा हेलमेट कुछ बिकने लगा? पहले तो कोई नहीं, पहले तो कोई हेलमेट ही नहीं पहनता था। तो 200-250, तो ये सारा बिक्री पहले तो नहीं होता था? जब से डबल हेलमेट का प्रावधान निकला है शहर में तब से ये सबकी बिक्री बड़ी होगी? हाँ, थोड़ा सा अभी डबल हेलमेट आने से थोड़ा सा बिक्री हुआ है। लेकिन ये सब में सुरक्षा को कोई गारंटी नहीं है? नहीं मैडम, ये इसमें सुरक्षा का नहीं है। हम लोग पब्लिक को बोलते भी हैं कि इसमें सुरक्षा नहीं है, इसमें ISI ले जाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। खैर, तो ये तो बंद हो जाएगा, ये नहीं बेचने का है, ये हम लोग को नोटिस मिल चुका है। लेकिन अभी फिलहाल में जो बचा हुआ माल है वही सब हम लोग निकाल रहे हैं। अभी मंगाना तो बताते थे आप लोग ऐसे? हाँ, बताते हैं मैडम, लेकिन फिर भी लोग खरीदते हैं। खरीदते हैं, अब देखिए, अब मजबूरी में आप फंस जाइएगा तो आप भी लेना पड़ेगा, वही बात है। मजबूरी में लोग खरीद लेते हैं? हाँ, मजबूरी में खरीदते हैं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन हम लोग कस्टमर को बोलते हैं कि मत ले जाइए, चलेगा नहीं, आगे जाके ये बंद हो जाएगा। क्योंकि हम लोग माल मंगाना बंद कर दिए हैं, ये लोकल माल हम लोग नहीं मंगा रहे हैं, जो बचा हुआ माल है उसी को निकाल रहे हैं, बस इतना ही है। तो मतलब जो मजबूरी में ही पुलिस का डर से बचने के लिए ये सारा का खरीदारी होता है? हाँ मैडम, वे तो बात सही है कि पुलिस के डर से ही ये सब बिक रहा है और ले जा रहे हैं, और जिनके पास पैसा नहीं रहता वो तो ले ही जाबे करेंगे। हाँ। सस्ता है तो काम चला। हाँ, ISI हेलमेट कम से कम 450 से नीचे तो आएगा नहीं, 400 से नीचे, समझे? तो इसलिए कम रेंज में है, तो इसलिए थोड़ा इसको बेच इसका ज़्यादा है। हाँ, लगाने से जब से सरकार का डबल हेलमेट लगाने का नियम चालू हुआ है तब से हेलमेट की बिक्री कितनी बढ़ गई है? बिक्री पहले जैसे था उसी है अभी भी। तो फिर लोग कौन सा हेलमेट खरीदना पसंद करते हैं ज़्यादा, कितने दाम वाला हेलमेट? आप आदमी का मन का ऊपर है, जैसा मन अपना आदमी खरीदे। जो कितना दाम वाला बिकता है? 400-300। अच्छा, तो ये सारा काफ़ी हल्का हल्का हेलमेट होता है? तो हल्का होता है तो दाम भी तो हल्का है ना। तो मतलब जो लोग आते खरीदने के लिए तो वही बोलते 300-400 तक? हाँ, बस उतनी बोलते हैं। हाँ, अगर ब्रांडेड लेना है तो जाके दुकान में लेते हैं। अच्छा।
तो जो जिसके पास जितना पैसा ये रहेगा उतना ही का दाम करना लेगा, पैसा नहीं रहेगा ज़्यादा कहाँ से वो आदमी वो लेगा। डबल हेलमेट लग गया तब से लोग 300-400 रुपए वाला हेलमेट की खरीदारी भी ज्यादा हम लोग का बिक्री नहीं है, हम लोग का 2-3-4 ऐसी बिक्री हो, बिक्री ज्यादा हम लोग का नहीं है, 3-4-5 बिक्री होता है। ये सारा जो हल्का हेलमेट होता है तो वो सब में क्वालिटी तो वैसे ही क्वालिटी है रहता है, ऐसा बात नहीं है, आदमी पहन के घूम रहा है, टोटल आदमी पहन के घूम रहा है, सब ISI मार्क, सारे ISI मार्क। कितने का है ये? आपको 400 में बिक्री होता है, 400 में। और वो जो हल्का हेलमेट सब पहन के घूमते हैं वो वाला कितने में बिकता है? वो 200 रुपये में। 200 रुपये वो ISI मार्क वाला रहता है? ISI वो ISI मार्क वाला। अब जिसके पास जितना पैसा रहेगा मैडम, एक तो कोरोना काल है ऊपर से पैसा का दिक्कत, तो जितना जिसके पास पैसा रहेगा उतने ही ना लेगा, यानी कि मतलब 400-500 रुपये जो दाम चले जाते हैं तो वो ISI मार्क अच्छा मिल जाता है। 350-400 में अच्छा माल चालू हो जाता है। ये हो जाता है। और इसके बाद जो हल्का हेलमेट लगाकर घूमते हैं वो सारा बस ऐसे काम चलाऊ। हाँ, पुलिस से बचने के लिए, पुलिस से बचने, यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो पुलिस की चेकिंग से बचने के लिए लोगों ने इस जल्दबाजी में 200-250 की दरों के सस्ते हेलमेट को खरीदना शुरू कर दिया गया। ये हेलमेट किसी भी तौर पर उन्हें दुर्घटना में सुरक्षा की गारंटी नहीं देता है, लेकिन पुलिस से बचने की गारंटी ज़रूर देता है, और इसी गारंटी के साथ इन हेलमेटों की बिक्री शुरू हो गई। हालांकि अभी जिला प्रशासन के द्वारा ISI मार्क के हेलमेट की बिक्री को अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन क्या ये प्रावधान, क्या ये आदेश डबल हेलमेट के अनिवार्यता के साथ ही जारी किया जा सकता था? तो जितने भी लोगों ने सस्ते दरों की हेलमेट खरीदी है, मजबूरी में खरीदी, उन्हें और मजबूरन महंगे दरों की ISI मार्क वाली हेलमेट खरीदनी पड़ती, जिससे ना सिर्फ वो सरकार की नज़र में, जिला प्रशासन की नज़र में सुरक्षित रहते, बल्कि दुर्घटना की दृष्टि से भी वो सुरक्षित रह पाते, और जिन सुरक्षा मानकों का ख्याल जिला प्रशासन के द्वारा किया गया और जिन्हें नज़र में रखते हुए डबल हेलमेट को अनिवार्य बताया गया, वो पूरा प्रावधान, वो पूरी कार्रवाई सही मायने में ज़मीनी हकीकत पर उतर कर आती तो स्थिति कुछ और बेहतर होती। फिलहाल अभी देखते हैं किस हिसाब से जिला प्रशासन की मुस्तैदी के बाद ISI मार्क के हेलमेट की अनिवार्यता के बाद ये सस्ते दरों की हेलमेट की बिक्री में कमी आती है, और दो पहिया वाहनों में जिन सस्ते दरों की हेलमेट का इस्तेमाल किया जा रहा पीछे बैठने के लिए, उनके पहनावे में कितनी कमी आती है, ये अभी भी सवालों के घेरे में है, और ये सारे तथ्य जो है वो आने वाले कुछ दिनों में स्पष्ट हो जाएंगे हमारे सामने। तो इसी के साथ नमस्कार, मैं राजलक्ष्मी लाइव लगातार से। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।